गेज लॉ स्टेटमेंट टू। देखिए गेज लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट हम कर चुके हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? गेज लॉ की सेकंड स्टेटमेंट ये शो करती है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है, सरफेस का इंटीग्रल जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है डी किसी भी क्लोज सरफेस पे, वो इक्वल होगी जितने चार्ज एनक्लोज है उसके, जितना भी चार्ज एनक्लोज होगा, यानी कि सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल एस डी कॉस थीटा डी एस इज इक्वल टू होगा क्यू के। क्यू क्या है? हमारा टोटल चार्ज जो कि एनक्लोज है। अगर हमारा चार्ज कंटिन्यू जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी वॉल्यूम में, ठीक है, अगर हमारा चार्ज कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी वॉल्यूम में, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है? राव से डिनोट करते हैं किसमें, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है पूरे सरफेस पे, तो वो क्या होगी? जो साई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ट्रिपल इंटीग्रल वी, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो ट्रिपल इंटीग्रल राव डी वी, जो इज इक्वल टू होगा क्यू के, यानी कि क्यू इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी राव डी वी के इक्वल है। अगर हमारा q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v rho dv के इक्वल है, तो q इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल के भी तो इक्वल है, तो यानी कि डबल इंटीग्रल s dd डॉट ds इज इक्वल टू है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ v rho dv जो इज इक्वल टू है q के। अब ये सब इक्वल आ गए हैं, इसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यानी कि जो हमारा ये है क्लोज सरफेस s, ये क्या है? डबल ये चीज है, ये डबल इंटीग्रल एस, यानी कि डबल सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस जो इज इक्वल टू है क्लोज सरफेस वी, यानी ट्रिपल इंटीग्रल वी क्लोज सरफेस वॉल्यूम, क्योंकि क्लोज सरफेस है इसलिए बीच में सर्कल है, रॉ डी वी जो इज इक्वल टू है क्यू के, ठीक है। ये क्या है? डबल इंटीग्रल क्लोज सरफेस है, ये ट्रिपल इंटीग्रल क्लोज वॉल्यूम का है, जो हमारा वॉल्यूम है इंटीग्रल है कितने जो पूरे एनक्लोज रीजन में है। तो ये क्या शो कर रहा है? यही हमने, यही हमने जो अपनी स्टेटमेंट में यही प्रूव करना था, जो इंटीग्रल होता है हमारे नॉर्मल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी क्लोज सरफेस वो इक्वल होती है चार्ज एनक्लोज के, यानी कि जो टोटल आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी पूरे क्लोज सरफेस में वो इक्वल है जितना चार्ज कंटेन है वॉल्यूम में, वॉल्यूम जिस वॉल्यूम जो एनक्लोज है एक पर्टिकुलर सरफेस पे, और यही गेज लॉ की सेकंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।